जय हिंद, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीजे क्रिकेट लाइव में। ईगल नासिक टाइटन कोल्हापुर टस्कर्स के बीच में एमपीएल यानी कि महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का आज फिलहाल के लिए शाम को 15वां मैच होने वाला है, जिसका पूरा प्रेडिक्शन और पिच रिपोर्ट बताऊंगा। देखिए, पिच रिपोर्ट तो दोनों मैचों का एक ही होने वाला है, क्योंकि एक मैच दिन में भी है, एक मैच रात में भी, लेकिन मैं रात में जो मैच होने वाला है उसका पूरा प्रेडिक्शन और पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं। साथ ही साथ प्लेयर्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्लेयर आपको टीम में रखना है, किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले बात करते हैं कोल्हापुर टस्कर्स की। तो जी, इसने जो पिछले 4 मैच खेले उसमें से 3 मैच जीती, एक मैच है जो इसका पहला ही मैच था। ईगल नासिक टाइटन, इसने भी पिछले 4 मैच में 3 मैच जीते हैं, लेकिन ये आखिरी मैच हारी है। शुरुआती 3 मैच को ईगल नासिक टाइटन ने जीत लिए थे। दोनों टीमें पॉइंट टेबल में इस समय टॉप पर बनी हुई हैं, लेकिन ईगल नासिक टाइटन के नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से वो टॉप पर बनी हुई है और दूसरे नंबर पर केटी की टीम है इस समय। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, दोनों टीमों के अगर पिछले 4 परफॉर्मेंस देखें तो बेहतर ही रहे हैं, लगभग बराबरी पर हैं दोनों टीमें 3-3 जीत के साथ। और अगर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि पुणे में पड़ता है, यहां के अगर मौसम की बात करेंगे तो लगभग 25 से 26 का टेम्परेचर आपको शाम के टाइम पर रहने वाला है। साथ ही साथ यहां पर बारिश होने के भी लगभग 50% चांस है। हो सकता है दिन में भी बारिश होने के भी चांसेस काफी ज्यादा रहे, क्योंकि इस समय भी वहां पर बारिश होने के चांस बने हुए हैं। तो जो ओवरकास्ट कंडीशन है वो काफी ज्यादा यहां पर होने वाला है और मॉइस्चर होने वाली है मौसम में, तो इसकी वजह से ग्राउंड पर आपको थोड़ा सा गीलापन महसूस होगा। इससे यह होगा कि बॉल जल्दी से बाउंड्री पर ट्रैवल नहीं करेगी और जो रन 2 रन होने चाहिए वो 1 ही रन में तब्दील होगा। इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, जो बाउंड्री मिलना चाहिए वो 2 रन में कन्वर्ट होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा स्कोर आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी ग्राउंड पर लगभग सारे मैचेस खेले जा रहे हैं। 14 मैच यहां पर 13 मैच अब तक हो चुके हैं, दिन में आज 14वां मैच होने वाला है, शाम को ये 15वां मैच होने वाला है। वैसे इस ग्राउंड की बात करेंगे तो यहां पर जो टोटल अब तक 12 मैच खेले गए उसमें पहले बैटिंग करने वाली जो भी टीम रही है वो 50% मैच जीते, यानी कि 6 मैच जीते हैं। बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैच यहां पर जीते हैं। एवरेज स्कोर अगर यहां का देखें तो 160 रनों का पहले इनिंग का रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 149 रनों का देखने को मिला। हाईएस्ट टोटल यहां पर पीबी और ईएनटी के बीच में 203 रनों का बना था और सिर्फ एकमात्र स्कोर जो कि 200 से ऊपर गया था इस ग्राउंड पर, बाकी के सारे स्कोर 150 से लेकर के 200 के बीच में अधिकतर रहे हैं। और यहां पर फिलहाल के लिए 5 मैचों में 150 के नीचे का ही स्कोर बना है। वैसे अगर पिछले मैच की बात करेंगे जो कि 12वां मैच कल रात का मैच था और एसआर टीम ने उस मैच को 19.1 ओवर में चेस करके जीत लिया था, उसके अलावा केटी और सीएसके के बीच में जो मैच हुआ था तो उस मैच को भी केटी ने ही आराम से जीत लिया था, क्योंकि सीएसके ऑल आउट हो गई थी 19.4 ओवर में। और आरजे ने भी इस मैच को चेस करके जीत लिया था जो ईएनटी के साथ था उसका। तो इस तरीके से पिछले जो लगातार 3 मैच रहे हैं वो सारे के सारे मैच चेस करके जीते गए हैं, ये चीज यहां पर देखने को मिला है। वैसे इस ग्राउंड की बात करेंगे तो अब पिच काफी ज्यादा स्लो होती जा रही है, जिस तरीके से यहां पर खेल आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सारे गेम इसी ग्राउंड पर हो रहे हैं, तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है पिच काफी ज्यादा यहां पर स्लो होती हुई नजर आती है। तो आज के भी मैच में आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, दिन वाला जो मैच है उसमें आपको लगभग 125 के आसपास, 170 से 180 के आसपास का स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है धूप के ऊपर। अगर धूप खुलती है तो स्कोर ज्यादा बनेंगे, धूप नहीं खुलती है तो स्कोर आपका कम हो जाएगा, वही 150 के आसपास का पहले इनिंग में देखने को मिलेगा। सेकेंड इनिंग यहां पर रात वाले मैच की बात करेंगे तो रात में आपको मैक्सिमम स्कोर यहां पर 150 होने वाला है और जो टीम चेस करेगी उसके ही जीतने के चांसेस काफी ज्यादा इस ग्राउंड पर रहने वाले हैं। ओवरऑल अगर पिछले 10 मैचों में बात करें फास्ट बॉलर और स्पिनर्स के, तो यहां पर लगभग 58% विकेट फास्ट बॉलर ने पिछले 10 मैचों में लिए हैं और 42% विकेट यहां पर स्पिनर्स ने लिए, जो कि 44 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए और यहां पर 61 विकेट फास्ट बॉलर के खाते में गए, जिसमें कि 35 विकेट पहली इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिए हैं। अगर स्पिनर्स की बात करेंगे तो स्पिनर्स ने यहां पर 24 विकेट सेकंड इनिंग में लिए, मतलब फास्ट बॉलर को पहली इनिंग में ज्यादा विकेट मिलता है, स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में यहां पर ज्यादा विकेट देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से यहां पर प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम केदार जाधव जो कि टीम के कैप्टन है केटी टीम के, और उनको आपको टीम में रखना चाहिए। बी तिवारी को टीम में आप कर सकते हैं, उसके अलावा ए बवाने को आप टीम में कर सकते हैं, वो बेहतर होने वाले हैं। और फिलहाल के लिए यहां पर एक और बॉलर है जो ए दरारकर है, उनको आप टीम में कर सकते हैं, और ईएनटी टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी को आपको में करना चाहिए, उसके अलावा ए पालकर को आप टीम में कर सकते हैं, तांबे को टीम में कर सकते हैं, उसके अलावा कुलकर्णी को आप टीम में कर सकते हैं। ये सारे प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनको आप टीम में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये टीम मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, इस टीम को आप लोग हेड टू हेड में लगाइएगा। वैसे इस टीम में फाइनल टीम ये नहीं है क्योंकि अभी तक टॉस तो हुई नहीं है, जैसे ही टॉस होगी तो हम आप लोगों को फाइनल टीम अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर दूंगा, और जब मैच शुरू होगा उससे 1 घंटे पहले मैं लाइव आऊंगा अपने चैनल पर, तो वहां पर आप विजिट करके जैसे ही टॉस हो जाती है वैसे ही मैं टीम आप लोगों को हेड टू हेड की प्रोवाइड कर दूंगा।
और प्रेजेंट का पिच रिपोर्ट प्रेडिक्शन क्या रहता है वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पर बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।